वालेकुम उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी ख़िदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे जी आज मैं आपके लिए एक और नज़म की तशरी लेकर आई हूँ ये जो नज़म है ये इलामा इकबाल की एक बहुत मशहूर नज़म है और इसका नाम है पैस्ता रैशे से उम्मीद बहार रख जी पेस्ता रैश से उम्मीद बहार रख जो कि इलामा इकबाल की एक बहुत खूबसूरत नज़म है जिसमें उन्होंने दरख्त की दरख्त और दरख्त की शाखों के ज़रिए से एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है हमें इतहाद और इतफाक़ की कि कैसे हमें अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए अपनी कौम और मिलत के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए चलें तो शुरू करते हैं इसकी तशरी सबसे पहला शेर है डाली गई जो फ़सल ख़जा में शजर से टूट डाली गई जो फ़सल ख़जा में शजर से टूट मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से साहब जो है वो कहा जाता है बादल को अब इस शेर का पहले मफहम देखते हैं शायर कहते हैं कि ख़जां के मौसम में दरख्त से अलग होने वाली शाख बहार में भी सब्ज़ नहीं हो सकती यानी कि जब वो एक दफ़ा दरख्त से टूट जाए तो दोबारा हरी भरी नहीं हो सकती ये तो था इसका मुख्तसर मफहम अब हम इसकी तशरी देखते हैं ख़जा के मौसम में जो शाख दरख्त से टूट जाती है वो बहार के बादल से भी हरी भरी नहीं हो सकती इस पर हमेशा ख़जा ही छाई रहती है ना कभी उसे पत्ते लगते हैं ना फल क्योंकि मरक़ से जुदा होने का यही अनजाम होता है इसमें श... इलामा इकबाल ने बड़ी बड़ी ख़ूबसूरती से दरख्त की मिसाल के ज़रिए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक दरख्त जो है वो शाखों और पत्तों के लिए मरक़ की हैसियत रखता है और जब शाखें और पत्ते दरख्त से अलग हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो ऐसे ही हमारी कॉम हमारे मिलत जो है वो हमारे लिए एक मरक़ की हैसियत रखती है तो अगर हम अपनी मिलत से अपनी कौम से अलग हो जाएँगे तो हमारी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी जी अब दूसरा शेर हम देखते हैं है ला जवाल अहद ख़जाँ उसके वास्ते है ला जवाल अहद ख़जाँ उसके वास्ते कुछ वास्ता नहीं उसे बरगोबार से जी हाँ अब इस शेर में शायर कहते हैं सबसे पहले मैं आपको इसका मुख्तसर मफहम बताती हूँ और उसके बाद इसकी तशरी ख़िज़ा का मौसम उस कटी हुई शाख के लिए दायमी है और इस शाख पर कभी कोई फल नहीं लगेगा यानी कि जो शाख दरख्त से किट कट कर गिर गई है दरख्त से अलग हो गई है अब उसके लिए ख़जां का मौसम हमेशा कायम रहने वाला है और अब उस शाख पर कभी कोई फल या फूल नहीं लगेगा जी अब इसके तशरी देखते हैं इसमें शायर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि दरख्त से अलग होने वाली शाख के लिए मौसम ख़जान लाजवाल हैसियत का मालिकाबित होगा इस शाख का दरख्त के दूसरे पत्तों और शाखों से कोई रहा नहीं रहेगा और ना ही वो कभी फलदार हो सकेगी यानी कि अब ये शाख अपने मरकज़ से अलग हो गई है उस मरक़ से अलग हो गई है जहाँ से इसको खुराक मिलती थी जहाँ से इसको पानी मिलता था और जिसकी वजह से ये शाख हरी भरी थी इस पर ख़ूबसूरत सरसब्ज पत्ते उगते थे और इस पर पल भी लगते थे लेकिन अब ये शाख अपने मरकज़ से अलग हो गई है तो अब चाहे ख़जा का बादल जितना मर्ज़ी इस पर बरसे ये कभी हरी नहीं होगी अब हमेशा मुर्दा ही रहेगी और यही है जो है ये लोगों के लिए भी बात सही है है तेरे गुलस्त में भी फ़सल ख़ज़ा का दौर खाली है जे बे गुल ज़र कामिलार से अच्छा जी अब ये एक शेर है इसमें शायर जो हैं वो फूल की मिसाल देते हुए शायर को ए, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे गुलिस्तान में भी मौसम ख़जा का दौर दौरा है और फूलों का दामन खालिश सोने से महरूम हो चुका है यानी कि इसमें शायर मुसलमानों को मुखातिब करके कहते हैं कि तेरे गुलिस्तान में भी मौसम ख़जा आ चुका है और फूलों का दामन जो है वो खालिद सोने से महरूम हो चुका है इसकी तशरी है कि शायर मशरक़ फ़रमाते हैं कि अ मुसलमान तेरे बाग में भी पतझड़ और ख़ज़ा के दौर का तसलुत और गलबा है और फूल की जेब खरे सोने से खाली है यानी मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो चुका है और मिलत इस्लामिया पर हर तरह की सलाहियत से महरूम नज़र आती है यानी कि मुसल मुसलमान हर तरह की सलाहियतों से महरूम होते जा रहे हैं इसी उन पर पस्ती और जवाल छा गया है जब कोई कौम अपने हाल पर गौर नहीं करती अपने आने वाले वक्त की परवाह नहीं करती तो उन पर इसी तरह पस्ती और जवाल छा जाता है जैसे कि आजकल मुसलमानों पर छा रहा है इकबाल की जो शायरी है वो मिलत इस्लामिया के मुसलमानों को जगाने के लिए उनको गुलामी की गुलामी से निजात दिलाने की एक कोशिश थी जिसमें कि वो अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ये एहसास लाने की कोशिश करते थे कि गैर कौमों ने कैसे उन पर कब्ज़ा कर लिया है और मुसलमान जो हैं वो अपनी बेअमली की वजह से अपनी सुस्ती की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैसियत खोते जा रहे हैं जो कि कभी दुनिया पर हकूमत करते थे आज महकूम बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी अब अगला शेर है जो नगमा ज़न थे ख़लवत और आक में तयूर रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार दार से ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत शेर है जिसमें शायर ने बड़ी जू माय बात की है कि कैसे मुसलमान कौम जो है वो अपने कीमती लोगों को खोती जा रही है इसका मफहम है कि वो परिंदे जो तन्हाई में बैठकर गीत गाते थे वो सब तेरे साया दार दरख्त से चले गए हैं यानी कि परिंदे दरख्त छोड़कर दूसरी मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं जी शायर कहते हैं कि जो परिंदे इस साय दा दरख्त पर बैठ कर गाते थे मीठे नगमे सुनाते थे वो अब रुखसत हो चुके हैं यानी कि इस कौम का सरमाया जो लोग थे जो मशहूर लोग थे वो अब इस कॉम के साथ नहीं रहे वो अब इस कॉम से जा चुके हैं और इसके अलावा शायर कहते हैं कि मुसलमान तेरी उम्मत के बड़े बड़े दानश्वर और रहनुमा जिनकी रहनुमाई और सरपरस्ती से हालात असलाह पजीर थे हालात बेहतर थे अफसोस वो सब लोग अब हमेशा के लिए रुखसत हो चुके हैं और अब ऐसी शख्सियत ढूंढने से भी नहीं मिलती यानी कि मुसलमानों ने अपने जो आबाओ जदाद थे उनकी उनके जो कारनामे थे उनको बिल्कुल भुला दिया है जिस तरह उन्होंने दुनिया पर हकूमत की थी उनके नक्श कदम पर चलने की बजाय अब वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और एक जवाल पजीर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये मुसलमानों की पस्ती की इंतहा है जी अगला शेर है शाख बुरीदा से सबको हो के तू शाख बुरीदा से सबकंदोज़ हो के तू ना आशना है कायदा रोजगार से जी अब इस शेर में शायर मुसलमानों को आने वाले वक्त से आगाह कर रहे हैं इसका मफहम है ए मुसलमान तू कटी हुई शाख से सबक हासिल कर कि कैसे वो अपने मरकज़ से जुदा हुई है कि तू अभी ज़माने के दस्तूर से ना वाकिफ है यानी कि तू अभी जानता नहीं कि ज़माना कैसी चाल चल रहा है अब इस शेर का शेर की तशरी देखते हैं इलामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमान, खिज़ा में टूटने वाली इस शाख से कुछ सबक हासिल कर ले कि तू भी जमाने के दस्तूर से अभी आगा नहीं है तुम्हें आने वाले वक्त का भी अंदाज़ा नहीं है यानी मुसलमान इस दौरे ग़ुलामी में भी गफलत का शिकार हैं और आने वाले वक्त से भी गाफ़िल हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसी मुश्किल लेकर आ रहा है कौन सी परेशानियाँ लेकर आ रहा है तो जैसे ये शाख अभी कभी भी हरी नहीं हो सकती इसी तरह अगर तुम होश में नहीं आओगे तो फिर लाजवाल ख़ज़ा का शिकार बन जाओगी और कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे जैसे ये शाख अपने मरक़ से जुदा हो गई है अपने मरक़ से अलग हो गई है और अब ये अपनी हैसियत खो चुकी है तो इसी तरह अगर तुमने अभी भी होश के नाखुन नहीं लिए तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे जी अच्छा जी अब इस नज़म का अगला शेर है शायर इस नज़म में बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि मिलत के साथ राबता उस्तवार रख मिलत के साथ राबता उस रख पैसता रह शजर से उम्मीदें बहार रख जी और यही इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है मरकज़ी शेर है जो कि इस पूरी नज़म का निचोड़ है इसका मफहू है कि अपना राबता मिल्लत के साथ कायम रखो दरख्त के साथ पैवस्ता रहते हुए बाहर की उम्मीद रखो यानी कि जब आप अपने मरकज़ के साथ कायम रहेंगे तो फिर आप तरक्की की उम्मीद रख सकते हैं शायर फरमाते हैं कि मुसलमान अगर तू कोई बेहतरी चाहता है तो तुमें चाहिए कि अपने अंदर इतहाद और इतफ़ाक़ पैदा करो मित मिलत इस्लामिया के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बना लो तब ही तुम खिजा के बाद बहार की उम्मीद रख सकते हो यानी जवाल के बाद अरूज हासिल कर सकते हो अभी जो मौजूदा जवाल की कैफियत में हो तो वो इसी तरह दूर हो सकती है कि जब तुम मिलत इस्लामिया के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाओगे और एक कौम बनकर गुलामी के अंधेरों को दूर करोगे गुलामी के अंधेरों को तोड़ डालोगे और इसी से तुम कामयाबी हासिल कर पाओगे क्योंकि कौम के साथ मज़बूत मस्द। ताल्लुक़ ही कामयाबी है कौम से अलग होने वाला कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता क्योंकि एक फ़र्द की कोई अहमियत नहीं होती कोई पहचान नहीं होती अफराद की पहचान उनकी कौम से है इसलिए कौम से कभी अलग ना होना कौम से अलग होने वाले की कोई हैसियत नहीं होती कोई पहचान नहीं होती जैसे मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी हैसियत हमारी शान हमारी पहचान हमारे वतन से हमारे मुल्क से ही है और हम पाकिस्तानी ही कहलाते हैं और पाकिस्तान हमारा मरकज़ है इससे जुदा होकर इससे अलग होकर हमारी कोई पहचान बाकी नहीं रहेगी इसलिए हमें भी हमेशा इतहाद और इतफाक़ से काम लेना चाहिए जी अब हम इस नज़म का मरकज़ी ख्याल देखते हैं मुसलमानों की बेहतरी इसी बात में है कि वो अपने अंदर इतफाक़ और इतहाद कायम रखें मिलत और कौम के साथ रा उसवार करने वाले ही कामयाब हो सकते हैं जी ये तो था इस नजम का एक छोटा सा मरकज़ी ख्याल शायर ने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है जो कि इतहाद और इतफाक़ का है कि जब हम अपने लोगों के साथ अपनी मिलत के साथ अपनी कौम के साथ जुड़े रहते हैं तो ही हम कामयाब हो सकते हैं नहीं तो हम दरख्त से टूटने वाली शाख की तरह ख़ज़ा का शिकार हो जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी उम्मीद है कि आपको इस नज़म की तशरी और मरकज़ी ख्याल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा वीडियो को ग़ौर से देखिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जे कर सकें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़